अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों, बालों, भराओं, बहनों, बेटियों और दादी जो है आज आपको क्या दिखाने वाली है डॉक्टर नायला। ओ माय गुडनेस, देखो तो सही गाइस, आज मैं जो है आपको ये एक गैस स्टेशन की मुझे बहुत फरमाइश आई है कि प्लीज़ डॉक्टर नायला, हमने यहाँ पाकिस्तान में ये पेट्रोल पम्प जो है वो खोला है, तो हमें जो है वो बताएं आप फिलिंग स्टेशन अमेरिका में कैसे लगते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यहाँ की दिखाऊंगी कि अमेरिका में किस किस्म के यहाँ पे पेट्रोल पंप्स, फिलिंग स्टेशंस या गैस स्टेशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये मैं एंटर हो रही हूँ, ये गाइस आप देखें, ये मैं वीडियो टेप कर रही हूँ। ये वावा एक नई कंपनी आई है यहाँ पे फ्लोरिडा में, इनके ऑल अराउंड अमेरिका जो है इन्होंने नए जो है पेट्रोल पंप्स बनाए। ये देखिए, मैं आपको यहाँ फ्रंट से दिखाती हूँ इसका साइन। ये गाइस, ये वावा जो है, ये आप साइन देख रहे हो, ये देखें, इन्होंने जो नया कंसेप्ट जो है पेट्रोल पंप्स, फिलिंग स्टेशन, गैस स्टेशंस का जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। इसके अंदर जो है इन्होंने बकायदा जो है हॉट फूड्स का काउंटर्स इनके लगे हुए हैं। लोग जब यहाँ पेट्रोल पंप पे बहुत रश होता है तो गाइस ये करते क्या है कि अंदर ही वो बैठ के लोग खाते हैं और वो गर्मा गर्म उनको बर्गर्स मिलते हैं और उनके पूरे मेन्यू होते हैं। ये देखिए वावा का साइन कितना खूबसूरत आपको नजर आ रहा है। ये प्राइसेस आप देख रहे हैं, ये पर गैलन मुझे बताया जा रहा है ये प्राइसेस हैं। ये देखिए इनकी प्राइसेस इन्होंने बाहर लगाई होती है, इसमें किसी किस्म का कोई चीटिंग या फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं इस साइड से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो इनके गैस स्टेशन हैं, ये किस तरह इनके इन्होंने ये गाड़ियां हैं और वो लोग आके यहाँ, आपको कोई कंसेप्ट नहीं है कि इन्होंने लड़के रखे हुए हैं और वो जो है आपको पेट्रोल डाल के देते हैं। नहीं, यहाँ जो इन मुल्कों में कॉन्सेप्ट है कि जब आप गाड़ी पार्क करते हो तो आपको खुद उतरना पड़ता है और खुद जो है आपको वो टैंक से खुद ही आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अंदर पेमेंट देते हो और फिर आप जो है वो उसको पेट्रोल को अपनी गाड़ी में डालते हो। ये देखें गाइस, ये मैं आपको बाहर से जो दिखाने लगी हूँ ये वावा का, ये देखें पार्किंग लॉट से कितनी गाड़ियाँ जो इस वक्त पार्क्ड हैं और किस तरह यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं जो लोग इसमें पेट्रोल डलवाना चाहते हैं। ये देखें, इन्होंने वावा ने जो कंसेप्ट हमें दिया है अमेरिका में, ये इस चेन ने, ये देखें, इन्होंने पूरे जो बाकी 7-Eleven थे या और पेट्रोल पंप्स थे उनको जो है उनको आउट ऑफ बिजनेस कर दिया है गाइस। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वावा जो है अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमर सर्विस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है और जो भी कोई कंपनी आती है और नई आपको देती है कस्टमर सर्विस अच्छी देती है तो लोग हर चीज़ को भूल जाते हैं। अब ये देखें, ये जो है मैं एक के शॉपिंग सेंटर के अंदर एंटर हुई हूँ, इन्होंने बाहर मेन पे ये वावा का जो है ना गैस स्टेशन बनाया हुआ है गाइस, और ये आप देख रहे हैं ये किस तरह इन्होंने इसके बाहर जो है सीटिंग अरेंजमेंट, आउटडोर ईटिंग का इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। इसके अंदर अगर आप जाएं वावा के अंदर, तो मैं इस वक्त अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बाहर से आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने अंदर जो है हॉट इनके काउंटर्स लगे हुए हैं जहाँ पे लोग अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनको जो हॉट फूड्स हैं, जो चीज़ वो ख़रीदना चाहते हैं वो वहाँ से ख़रीद लेते हैं गाइस। तो ये आप देखें, ये एक वावा की छोटी सी मैंने आपको ये पिक्चर भेजी है उन भाइयों के लिए जो कि पेट्रोल पम्प जो है ख़ुद रन कर रहे हैं या वो पूछना चाहते हैं कि अमेरिका में जो पेट्रोल पम्प या गैस स्टेशन, फिलिंग स्टेशन जो हैं वो कैसे होते हैं। इसके साथ मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स भाइयों को, बच्चों को कहूँगी अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं डॉक्टर नायला के साथ उसके नए व्लॉग में। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए और मुझे कमेंट्स में भेजें कि आप लोग जो हो वो किस किस्म के मेरे से यहाँ पे वीडियोस देखना पसंद करोगे। आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी वो मैं आपको उसी तरह, जो भी आपका प्रोफेशन है या जो करना चाहते हो उसमें आपको वीडियोज़ दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।